नमस्कार, मेरी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लाइज को सब्सक्राइब करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए तथा बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो जब भी अपलोड होंगे तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन सूचना आ जाएगी। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे त्वचा संबंधित चर्म रोग के बारे में। त्वचा संबंधित जो रोग होते हैं, चर्म रोग होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे, किस तरह से कुंडली में इसको देखा जाए। इसके पहले हमने वीडियो बनाया कि भावों के अनुसार किस तरह से रोग हो सकते हैं, फिर हमने बताया कि किस तरह राशियों के अनुसार रोग हो सकते हैं, फिर ग्रहों के अनुसार कौन से रोग हो सकते हैं। अब उन सबका कॉम्बिनेशन करके जब हम देखते हैं तो कौन से रोग होने की संभावनाएं हो सकती है, तो उसमें आज हम चर्म रोग या त्वचा संबंधी रोगों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से उसको देखा जाता है। तो जब भी ज्योतिष के अनुसार हम कुंडली में देखेंगे कि बुध ग्रह, शनि ग्रह, राहु और मंगल, ये जो ग्रह हैं, ये अशुभ होने पर, तथा सूर्य और चंद्रमा अगर आपका कमजोर है, सूर्य और चंद्र अगर आपका कमजोर है, तो चर्म रोग होने की संभावनाएं हो जाती है। कुंडली का छठा भाव जो है, उससे भी त्वचा से संबंधित रोगों को देखा जाता है। तो इस तरह त्वचा रोग जो होता है वो बुध के कारण जो है, बुध अगर को कमजोर होगा तो वो और जातक को त्वचा संबंधी रोग होने की संभावना हो जाती है। तो इसमें ये देखा जाता है कि अगर चंद्रमा जैसे ये पाप प्रभाव में होगा तो आपको फोड़े फुंसियाँ होने की संभावना हो जाती है। इसके बाद में आप देख सकते हैं कि अगर मंगल आपका का रक्त का कारक होता है, अगर यहाँ पे पाप प्रभाव होगा और बुध भी पीड़ित होगा, तो आपको जो कील मुहासे जो होते हैं चेहरे पे, वो होने की संभावना हो जाती है। राहु अगर उसका प्रभाव आ रहा है, तो राहु के प्रभाव के कारण आपको होगा कि वो कील मुहासे दर्द देंगे, आपको दर्द होता है उसके अनुसार। तो इस तरह से हमने जान सकते हैं कि अगर जब भी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की हम बात करेंगे तो उसमें हम त्वचा संबंधी रोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें देखना चाहिए कि जो ग्रह हमने बताए, चर्म रोग के जो है बुध है, वो अगर पीड़ित होता है, वो लग्न में पीड़ित हो, छठे भाव में पीड़ित हो, तो चर्म रोग होने की संभावना होती है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ बुध ग्रह जो है वो राहु से पीड़ित है, सूर्य और चंद्रमा भी यहाँ पे राहु केतु से पीड़ित है। इस तरह से आप देख रहे हैं तो इस जातक को चर्म रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो जब भी आप अपने कुंडली का में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे और हम चर्म रोग के बारे में बात करेंगे, तो चमड़ी का जो कारक है वो बुध ग्रह है। बुध ग्रह अगर अच्छा नहीं है और वो कुंडली में कमजोर स्थिति में है, तो आपको जैसे सूर्य से अस्त हो, नीच का हो, या जिस इस तरह से वो पाप प्रभाव में हो, पाप कर्तरी में हो, तो आपको चर्म रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। बुध पे जैसे पाप ग्रहों का प्रभाव यहाँ पे केतु का है, राहु का प्रभाव है यहाँ पे है, इस तरह अगर शनि का भी अगर मान लो प्रभाव हो, तो जो भी ये ग्रह को प्रभावित करते हैं तो चर्म रोग का पूरे आसार बन जाते हैं, और चर्म रोग जरूर होता है। तो अगर मंगल के बारे में हमने बताया कि मंगल अगर छठे भाव का जैसे स्वामी है और यहाँ पे मंगल यहाँ बैठा हो, यहाँ है, इस पे अगर पाप प्रभाव होगा तो आपको रक्त संबंधी जो प्रॉब्लम पैदा करेगा। इसी प्रकार मंगल बुध का योग है, मंगल बुध यहाँ, मान लो मंगल यहाँ आ जाता है, बुध का है और वो पाप प्रभाव में आ जाता है, तो इस तरह की समस्याएं खड़ी हो जाएगी, आपको रक्त संबंधी समस्या होगी। अगर यही मंगल और शनि जैसा है, मंगल शनि मान लो यहाँ पे छठे भाव में बैठे हों और वो उन पे राहु केतु का प्रभाव हो, तो इस तरह से जो प्रभाव आएगा मंगल और शनि के कारण,
आपको खुजली बहुत होगी, जब खुजली आपको होती है क्योंकि खून खराब हो जाता है, मंगल जो कारक है वो है और शनि के कारण जो है वो खुजली पैदा करता है। तो इस तरह से अगर ये मंगल यहाँ बैठ जाए और शनि साथ में हो, राहु केतु का प्रभाव, दृष्टि संबंध वगैरह बनाए, तो इस तरह से आप खुजली ज़्यादा पैदा करेगा। तो ग्रहों के अनुसार हमने जानने की कोशिश करी कि लग्नेश भी अगर आपका प्रभावित हो रहा है यहाँ पे, तो चर्म रोग का कारण बनता है कि लग्न भाव का, लग्न हम हमारा शरीर है और वो यहाँ पे बुध है, उसका जो चर्म रोग का कारक है वो पाप प्रभाव में है, तो आपको शरीर में चर्म रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो इस तरह हमने देखा कि किस तरह से ये सब जो ग्रह है, मान लो मंगल और केतु है, ये छठे भाव या बारहवें भाव में मंगल के साथ में केतु बैठ जाता है, यहाँ बैठ जाता है तो छठे भाव में हो जाता है, तो ये चर्म रोग देता है। मंगल शनि का हमने बताया कि छठे अठे छठे बारहवें भाव में बैठ जाता है मंगल शनि, तो उसके कारण भी आपको चर्म रोग हो जाएगा। बुध राहु भी अगर इस तरह के प्रभाव होते हैं तो एक्जिमा जैसा रोग हो सकता है। तो हमने जाना कि अगर बुध ग्रह अगर प्रभावित हो रहा है तो चर्म रोग होता है, उसके साथ में मंगल शनि के बारे में हमने जानकारी दी, मंगल केतु के बारे में जानकारी दी और उस तरह से कैसा ये किस तरह का रोग हो सकता है। तो आप भी अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि जब भी ये ग्रह प्रभावित होते हैं तो चर्म रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, कि बुध का अस्त होना, नीच होना, वक्री होना ये सब, और उस पर राहु केतु शनि का प्रभाव होना, छठे भाव के स्वामी के पे भी इस तरह के प्रभाव होना चर्म रोग के कारण बनते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि कैसे फोड़े फुंसी हो सकते हैं, रक्त के होता है, एक्जिमा हो सकता है, तो ये सब प्रभाव हमने आपको बताया, कैसा आप अपने कुंडली में देखिए और आप जान सकोगे कि किस तरह से ग्रहों के प्रभाव से आपको इस तरह के चीज़ें हो सकती है। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आज हमने बात की कि किस तरह से चर्म रोग जो है या जो त्वचा रोग बोल सकते हैं वो आपको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चंद्र जैसा ग्रह या केतु से प्रभावित है तो जो जो मुहासे से भरा हुआ फोड़े फुंसी होंगे, मुहासे होंगे, ऐसे मंगल के कारण हमने बताया कि वो किल मुहासे होंगे, राहु के कारण दर्द होगा। तो इस तरह आप जान सकते हैं कि जब भी ये बुध ग्रह प्रभावित होता है, साथ साथ में दूसरे ग्रह भी प्रभावित होते हैं, तो आपको चर्म रोग होने के जो संभावनाएं हो जाती है और उसके कारण आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह चर्म रोग का हमने आपको जानकारी दी, ये इसके मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में या तो चौथा संबंधी जो जानकारी आपको मिली। आपको अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो तो मेरे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी इसको जानकारी दीजिए। आप टेलीफोन से परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं तो मामूली दक्षिणा देकर टेलीफोन से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।